देखिए, कुछ लोग लुक्का छुपी का खेल खेलते हैं। कभी इधर से बोले तो उधर से धमकी आ गया, उधर बोला तो इधर से धमकी चल गया। तो इसलिए जो है उस लुक्का छुपी के खेल में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मीसा भारती जी लगता है कि बड़े नेता का डिफिनेशन नहीं जानती है, परिभाषा नहीं जानती है। किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा नेता उसका कार्यकर्ता होता है, और ये नेतागिरी के चक्कर में ही राजद और इंडी गठबंधन बर्बाद हो रहा है। जिस तरह से हमारे बीच में नीतीश कुमार जी मौजूद थे, उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद थे, संतोष सुमन जी मौजूद थे, दिलीप जायसवाल, मैं स्वयं मौजूद था, और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, और एनडीए की एकता की चिंता मीसा भारती ने करें। मैंने कहा ना कि आने वाले समय में वो लिस्ट भी जारी होगा, और उसका हो सकता है कि वीडियो फुटेज भी मिलेगा, कौन कौन लोग शराब पीते हैं, अब कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अब कोको कोला काला कलर का है तो उसके बारे में निकाल देंगे शराब पीते, सच्चाई पता चलेगा। कोल्ड ड्रिंक का कलर शराब का हो सकता है, लेकिन शराब कौन पीता है ये धीरे धीरे पता चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, आपके साथ है संजीव सिंह। के पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती ने एनडीए की बैठक पर सवाल खड़े की है, और कही है कि बैठक इस बात का जब उसमें बड़े नेता पहुंचे ही नहीं थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल जिस प्रकार से पप्पू यादव को बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली थी, और साथ ही साथ इस प्रकार से बिहार में इन दिनों शराबबंदी को लेकर के जो बयानबाजी चल रही है, तमाम सवाल जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से किया गया, दिलीप जायसवाल ने मीसा भारती पर हमला करते हुए कहा है कि मीसा भारती को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए कि पार्टी कैसे बचाए, ना कि एनडीए की। साथ ही साथ पप्पू यादव को लेकर के उन्होंने कहा है कि कुछ लोग लुका छुपी का खेल करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है कि बहुत जल्द इंडियन अलायंस गठबंधन के 5-6 ऐसे नेता हैं जिसका खुलासा होगा, हो सकता है वीडियो फुटेज भी जारी किया जाएगा। क्या कुछ करें, तमाम सवाल का जवाब देते हुए दिलीप जायसवाल आइए आपको सुनाते हैं। मीसा भारती लगता है कि बड़े नेता का डिफिनेशन नहीं जानती है, परिभाषा नहीं जानती है। किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा नेता उसका कार्यकर्ता होता है, और ये नेतागिरी के चक्कर में ही राजद और इंडी गठबंधन बर्बाद हो रहा है। एनडीए ने कल फैसला लिया है कि हमारा नेतृत्व और नेता यहाँ की मतदाता और यहाँ के कार्यकर्ता होंगे, और जिस तरह से हमारे बीच में नीतीश कुमार जी मौजूद थे, उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद थे, संतोष सुमन जी मौजूद थे, दिलीप जायसवाल, मैं स्वयं मौजूद था, और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, और एनडीए की एकता की चिंता मीसा भारती ने करें। अपना दल जो उनका कुछ दिनों के अंदर साफ होने वाला है, राजद में जो भगदड़ मचने वाला है, उसकी चिंता करें। देखिए, कुछ लोग लुक्का चुप्पी का खेल खेलते हैं, कभी इधर से बोले तो उधर से धमकी आ गया, उधर बोला तो इधर से धमकी चल गया। तो इसलिए जो है उस लुक्का छुपी के खेल में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। सर, बिहार में 4 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हम लोग का पलड़ा भारी है और हम लोग जीत रहे हैं। देखिए, कोई भी दल चुनाव जीतने के लिए ही लड़ता है। अब बताइए, जिसको होगा कि हमको हारना है तो वो चुनाव लड़ेगा? कहीं ना कहीं उम्मीद से लड़ता है, तो सब दल उम्मीद से लड़ रहा है। फैसला मतदाता को लेना है, राफ साफ पता लग जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और कह रहे हैं लालू यादव। अभी तो मैं बिहार संभाल रहा हूं, झारखंड के नेता या मेरे केंद्रीय नेता झारखंड के बारे में बताएंगे। लालू यादव चुनावी प्रचार के लिए जाएंगे। अब जाएंगे लालू यादव को, वहां पर पता चलेगा कि झारखंड में उनका क्या हालात है। झारखंड में हमारे नेता हैं उनको बताने के लिए। सर, पटना में हादसा हुआ है निर्माणाधीन टनल था मेट्रो का, उसमें दो मजदूरों की मृत्यु की भी खबर आ रही है, इसमें लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। ये तो देखिए जांच का विषय है, पहले कुछ भी बोलना। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट पर शुरू में ही उंगली उठा देना ठीक नहीं है। जांच किया जाएगा, जांच में जो गलत होंगे उनको सजा मिलेगा। बिहार में शराबबंदी, अब इसको लेकर अब लगातार विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि शराब सत्ता पक्ष के लोग बेच रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं विपक्ष के लोग बेच रहे हैं। तो अब तो पता लगाने वाली बात है कि पहला तो शराब कौन पीता है और दूसरा शराब कौन बेचता है। अभी दो सवाल है, शराब पीता कौन है और बेचता कौन है, दोनों पर थोड़ा नज़र रखिए। मीडिया कर्मी भी नज़र रखेंगे, सरकार भी नज़र रख रही है, और अभी बहुत बड़ा खुलासा भी होने वाला है कि बिहार के अंदर कौन कौन लोग शराब पी रहे हैं। जीताराम मांझी तेजस्वी यादव पे आरोप लगाए थे। अब तो मैंने कहा ना कि आने वाले समय में वो लिस्ट भी जारी होगा, और उसका हो सकता है कि वीडियो फुटेज भी मिलेगा, कौन कौन लोग शराब पीते हैं, अब कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अब कोको कोला काला कलर का है तो उसके बारे में निकाल देंगे शराब पीते, सच्चाई पता चलेगा।
कोल्ड ड्रिंक का कलर शराब का हो सकता है, लेकिन शराब कौन पीता है ये धीरे धीरे पता चलेगा। कोई नहीं पता चलेगा, अभी देखिए ना, हो सकता है कि विभाग ही जारी करेगा, लेकिन करीब 6-7 लोगों की सूची आई है जो लगातार शराब पीने का काम करते हैं, वो इंडी गठबंधन के ही नेता हैं। आज केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार रोजगार और स्वरोजगार, एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों की ओर दिन रात काम कर रही है, और भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर गरीबों के हाथ में भी मोबाइल है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कोई भूखा नहीं सोता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब नहीं बनी थी तो आपने देखा होगा कि पूरे देश के अखबार में रोज निकलता था कि भूख से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। आज देश के 140 करोड़ का देश शांति से जी रहा है। 140 करोड़ का देश व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ यूज कर रहा है, गरीब भी फेसबुक यूज कर रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, देश विकसित होने के तरफ बढ़ रहा है, और इस देश पर किसी की नजर नहीं लगे, बस इस बात की हम लोगों की चिंता करना है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे दिलीप जायसवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मीसा भारती को अपनी पार्टी के बारे में चिंता करनी चाहिए, ना कि एनडीए के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने पप्पू यादव को लेकर कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में वो बोलते हैं, उसके बारे में वो बोलते हैं, लुका छिपी का खेल करते हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन शराबबंदी को लेकर के जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है कि शराबबंदी को लेकर के जिस प्रकार से लोग इन दिनों कुछ से कुछ बोलते हैं, लेकिन हम लोग बहुत जल्द जो है आप लोग के सामने एक न्यूज़ प्रस्तुत करेंगे। हो सकता है विभाग की तरफ से ही जारी होगा वो वीडियो फुटेज जो इंडियन अलायंस गठबंधन के कुछ नेता होंगे, या विभाग की तरफ से खुलासा भी किया जा सकता है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं। सबका कुंडली निकाल लेंगे, सबका जो है चेहरा सामने आ जाएगा। क्या कुछ कर रहे थे दिलीप जायसवाल तमाम सवाल का जवाब देते हुए, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।